तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, आपका स्वागत है प्रजापति गेमिंग चैनल पर। दोस्तों आज का यह वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा आप पबजी में नो वाला ब्रिज और मिलिट्री बेस वाला ब्रिज कैसे कैंप करेंगे। दोस्तों आपको बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप उस जगह पे बैठ जाते हैं, अगर आप पूरी स्क्वाड के साथ में है, तो भाई सामने वाले बंदों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपके पास आने की। आप एक जगह से सारे बंदों को स्पॉट कर सकते हैं, मतलब बहुत ही आसानी से किल कर सकते हैं। भाई मैं एक नोब बंदा हूँ, अगर आप मेरे से प्रो रहेंगे तो भाई कसम से ना बंदे को तो क्रॉस करने ही नहीं देंगे, ऐसा कमाल का जगह है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना यार। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना ताकि और लोग इसके बारे में जान पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज बता देता हूँ, आप लोग जानते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ब्रिज कैंप करने जा रहे हैं तो आपके पास अच्छी खासी लूट होनी चाहिए। लूट के साथ साथ आपके पास स्कोप, अगर आपके पास स्नैपर है तो भाई मजा आ जाएगा कसम से, लेकिन आपके पास स्कोप होनी चाहिए, बिना स्कोप का आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास VSS है तो भाई कसम से, भाई बता रहा हूँ ना, बंदे परेशान हो जाएंगे किधर से पड़ रही है किधर से नहीं पड़ रही है। अगर आपके पास VSS मिलता है ना, रहता है, तो भाई ले लेना जरूर, ठीक है, ब्रिज कैंप करने जा रहे हैं तो। और हाँ, आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, आपको देख लेना जो आपका प्लेन है किधर से जा रहा है। अगर मान लो बेस की साइड से नहीं गया और वहाँ पे बंदे नहीं गए तो आपको ब्रिज कैंप करके कोई फायदा नहीं है। ओके, तो अब चलिए हम चलते हैं मैच में और मैं आपको लाइव गेम प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैं आपको गेम प्ले लास्ट में दिखा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से करना है। मैं आपको कुछ वीडियो दिखा दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, कसम से यार जहर वाला वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ ब्रिज पर और मैं आपको दिखा देता हूँ, यह है नोवा वाला ब्रिज। आप देख सकते हैं मैप में कभी कभी क्या होता है कि जोन कट जाता है, जिस तरह से अभी जोन कटा हुआ है, जोन इस तरह से कट जाता है और सारे बंदे नोवा से आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सीक्रेट जगह पे जाके बैठना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान देना है, जो आपकी गाड़ी है इस साइड में खड्डा है, ठीक है, आपको खड्डे में डाल देना है ताकि बंदों को ना पता चले कि आप कैंप कर रहे हैं। आपको यह चीज़ ध्यान देना है, आपको गाड़ी को खड्डे में छुपा देना है। यहाँ पे बहुत सारा खड्डा है लेफ्ट राइट में, तो आपको वहाँ पे छुपा देना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं आपको यहीं पे जाके बैठना है, और सामने से बंदे आएंगे तो आप उनका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे बैठ जाना है और आपको अपने पार्टनर को बोल देना है दूसरी साइड में इस साइड बैठने के लिए, ठीक है, इस साइड ना कि उस साइड। आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा मार्क है आपको वहीं पे बैठना है, ना कि उसके अपोजिट साइड में। आपको यह चीज़ ध्यान देना है, अगर आप अपोजिट साइड बैठेंगे तो आप उस बंदे का किल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे आना है, उसके बाद में आपको जंप करना है। जैसे आप जंप करेंगे आप रेलिंग पे चढ़ जाएंगे, ये जो रेलिंग है आप यहाँ पे चढ़ जाएंगे। अब आपको ऊपर की साइड में जाना है, ठीक है, ऊपर की साइड में जाने के बाद में आपको बैठ जाना है। जब दोस्तों आप बैठ जाएंगे तो आप देख सकते हैं अगर बंदे इस साइड से आते हैं, ब्रिज कैंप करने के लिए, तो आप उनका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। अगर सामने बंदा रहता है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे टूटी हुई गाड़ी है, अगर सामने बंदे रुकते हैं स्पॉट करने के लिए कि वहाँ पे बंदे हैं या नहीं है, अगर वहाँ पे बंदे रुकते हैं तो आप उनका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। मेरे पास स्कोप नहीं है, नहीं तो भाई वहाँ के बंदे को आप बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। अगर आपके पास स्नैपर रहेगा तो भाई बात ही अलग है। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ आपको यहीं पे बैठना है। अगर बंदे नोवा से आने वाले हैं तो आपको यहाँ पे बैठना है, अगर बंदे नोवा जाने वाले हैं तो आपको आगे की साइड में बैठना है, पीछे की साइड में, जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके पीछे साइड में आपको बैठना है। आपको यह चीज़ ध्यान देना है, क्योंकि मान लो बंदे सामने से आ रहे हैं तो भाई आपको जल्दी स्पॉट नहीं कर पाएंगे और आपको पूरा व्यू मिलेगा, आप उनका बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। अगर मान लो आप पूरी स्क्वाड के साथ में हैं तो एक बंदा आपके राइट में बैठेगा, ऊपर की साइड में राइट में बैठेगा, वह भी कुछ डैमेज देगा, आप भी कुछ डैमेज देंगे, और जो पीछे वाले बंदे रहेंगे, ठीक है, एक दो बंदे को आप पीछे करके रखिए, वो उनका किल बहुत ही आसानी से कर देंगे। आपको ध्यान देना है, आपको इसी पोजीशन पे बैठना है, ठीक है। अब दोस्तों मान लो आप अपने टीम के अकेले बच्चे हैं तो आपको यहीं पर बैठना है। मान लो अगर इस साइड से बंदे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो टूटी हुई गाड़ियाँ हैं, अगर यहाँ पर बंदे रहते हैं तो आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, आपको यहाँ का पोजीशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिज कैंप करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन यह तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे
तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। जितने सारे ट्रिक हैं ब्रिज क्लाइंब करने के, उसके ऊपर हम एक मजेदार वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों यह तो रही नोवा की बात, अब हम चलते हैं बेस वाले ब्रिज पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूँ बेस वाले ब्रिज पर। आप देख सकते हैं कि मैं किस पोल पे चढ़ा हूँ, आपको इसी पोल पे चढ़ना है। अगर आप आगे वाले पोल पे चढ़ेंगे तब भी आप चढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप आगे वाले पोल पे चढ़ते हैं तो वहाँ से बंदे आपको बहुत ही आसानी से स्पॉट कर लेंगे और आपका किल कर देंगे। लेकिन यह जो पोल है जिस पोल पे मैं चढ़ा हूँ, यहाँ से आपको चारों तरफ से कवर मिलता है और आप सारे बंदों को बहुत ही आसानी से किल कर पाएंगे। अभी मैं आपको आगे किल करके दिखाऊंगा, बंदे मुझे स्पॉट ही नहीं कर पाते हैं और आप सारे बंदों का यहाँ से किल कर पाएंगे। अगर आपके पास स्नैपर है M24 का 98 AWM, तो भाई पूछो ही मत, सारे बंदे मतलब शौक में पड़ जाएंगे कि भाई बंदा हैकर है। आप उनको इतना मारेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको अपने पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आप ज़्यादा लेफ्ट राइट जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, आपको यह चीज़ को ध्यान रखना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आपको सारी पोजीशन मिल जाएगी। अगर बेस से बंदे आएंगे तब भी आप उनको देख पाएंगे, अगर नीचे गाड़ियों की साइड में बंदे रुकते हैं तो आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अगर आपके राइट में वो जो ऊपर एक छोटा सा घर है, अगर वहाँ पे बंदे रहते हैं तब भी आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और जो पीछे वाला स्नैपर टावर है उसके बगल में घर है, अगर वहाँ पर भी बंदे रहते हैं तो आप उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। बस आपको थोड़ा सा जजमेंट रखना है, बस आपके पास स्कोप उस्कोप रहती है ना तो भाई कसम से मजा ही आ जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको आगे गेम प्ले का वीडियो दिखा देता हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा, अगर आप पूरी स्क्वाड के साथ में रहते हैं तो आप अपने एक बंदे को ऊपर चढ़ा दीजिए और आप भी ऊपर चढ़ जाइए लेफ्ट में राइट में, ठीक है। दो बंदे रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई भी गाड़ी पास नहीं हो पाएगी, यह मेरी गारंटी है। अगर पास होगी तो पीछे वाले बंदे उनका किल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताइए इसके ऊपर मैं पार्ट टू लाऊं या नहीं लाऊं, क्योंकि ब्रिज कैम करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं वह सारा तरीका बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही कमाल कमाल की वीडियो मिलने वाली है। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।